मैं अमनीषा स्वागत करती हूँ आपका संजीवनी सीरीज़ में। होप सो आप सभी ठीक होंगे। अगर वॉइस एंड वीडियो ओके है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, और जो बच्चे नए हैं वो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो शुरू करें हमारा आज का सेशन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, काइटिन, पेप्टाइडोग्लाइकिन या फिर डेक्सट्रॉन। और जो हमारी फंजाई होती है उसकी सेल वॉल किससे बनती है? काइटिन प्लस ग्लूकोन। और बैक्टीरिया की कौन से बनेंगी, उसको हम म्यूरिन भी बोल देते हैं। जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, पेप्टाइडोग्लाइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल इंटरेस्ट डिसीज। एक होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम मोनोसाइक्लिक भी बोल देते हैं, और एक होते हैं हमारे पॉलीसाइक्लिक। तो आपने बताना है कौन सा नहीं है इनमें से। जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ पर्ल मिलेट इज कॉज्ड बाय। ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ पर्ल मिलेट, टॉलिपोस्पोरियम, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला या फिर क्लेविसेप्स या फिर करकुलेनिया पेनिसेटी। जी वेरी गुड अमित चौधरी, हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। ये तो बहुत इजी है, सभी को आता होगा। वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दो। हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और हमारा एडियो का नया बैच शुरू हुआ है, अभी भी टाइम है, जिन्होंने परचेज नहीं किया वो जल्दी जल्दी परचेज कर लो, और कूपन कोड लगाना है AC861। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो 7710104040 पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनफेक्सिनिया सेकेंडरी साइकिल आर ड्यू टू। मैंने जब रस्ट के डिसीजेज कराए थे तो बताया था कि इसमें पांच टाइप के स्पोर्स हैं वो फॉर्म होते हैं, तो आपने बताना है कि सेकेंडरी स्प्रेड है वो कौन से स्पोर्स के थ्रू होता है। और कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो अल्टरनेट होस्ट होता है जो हमारे रस के लिए, वो कौन सा प्लांट होता है। जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूरिडोस्पोर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरसेस, इनमें से कौन सा आएगा? सॉइल साइंस ASRP जी नहीं, अभी तो नहीं है अवेलेबल, बट जल्दी रिलीज करेंगे हम। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है या फिर डबल स्टैंडर्ड की वजह से होता है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, डबल स्टैंडर्ड DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
अर्ली ब्लाइट इन पोटैटो इज कॉज्ड बाय फाइटोफ्थोरा या फिर अल्टरनेरिया सोलानी या फिर राइजोटोनिया या फिर एस्टिलेगो हार्डी। जी जी आपका आंसर राइट है, सोनिया पॉजिटिव वर्ल्ड अमित चौधरी। अर्ली ब्लाइट तो बताओगे ही, साथ में लेट ब्लाइट का भी बताना है। और लेट ब्लाइट की वजह से क्या हुआ था हमारा? कौन सा फेमाइन आया था? आयरिश। लेट ब्लाइट का कॉजल ऑर्गेनिज्म फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टन्स। और कौन से ईयर में आया था? अराउंड 1845। वेरी गुड, अल्टरनेरिया जो हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन बी अल्टरनेरिया सोलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेक्टर ऑफ बर्ड नेक्रोसिस ऑफ ग्राउंडनट इज। बर्ड नेक्रोसिस, एक हमने टिक्का डिसीज भी डिस्कस किया था ना ग्राउंडनट में। किसकी वजह से होता था वो? सर्कोस्पोरा स्पीसीज की वजह से। सर्कोस्पोरा अर्ली इसका जो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए थ्रिप्स की वजह से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्परजिलस फ्लेवर्स मेकिंग फूड अनफिट फॉर कंजम्पशन बाय प्रोड्यूसिंग पॉइजनस टॉक्सिन कॉल्ड। कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये तो। थ्रिप्स, थ्रिप्स जी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एफ्लाटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हु गेव पक्सीनिया पाथ इन इंडिया। क्लास में करवाया था मैंने थ्योरी क्लास में। अमित चौधरी थी सही आंसर। जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी एस नागराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ माइकोलॉजी। माइकोलॉजी किसके बारे में स्टडी करते हैं हम इसमें? माइकोलॉजी में फंजाई। नॉट केसी मेहता, एस नागराजन था क्वेश्चन। माइकोलॉजी का फादर भी बताना है और पैथोलॉजी का भी। जी हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज यूज्ड फॉर स्मट के लिए यूज होता है, बैक्टीरिया के लिए, फंजाई के लिए या फिर वायरस के लिए? और हमारी जो स्मट के लिए क्या और क्या यूज होता है कॉमन? वीटावैक्स। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज यूज्ड फॉर बैक्टीरिया, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज द फंगस अटैक द सीडलिंग्स ऑफ 8 to 10 डे ओल्ड एंड बिकम सिस्टेमिक। सिस्टेमिक मतलब पूरी प्लांट बॉडी में ही फैल जाता है एंड ग्रो अलोंग द टिप ऑफ शूट ऑफ वीट। क्या बोलेंगे हम उसे? करनाल बंट, हिल बंट, स्टिंकिंग स्मट या फिर बोथ ए एंड बी?
हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी. स्प्रे वेटेबल सल्फर 0.2% और कार्बेंडाजिम एट द रेट 500 ग्राम पर हेक्टेयर कैन बी यूज एज अ मैनेजमेंट फॉर विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज, करनाल बंट, हिल बंट, लूज मट या फिर पाउडरी मिल्ड्यू. मैंने बताया था स्पेशली कि सल्फर हम किस में ज़्यादा यूज़ करते हैं. अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो ऐसे नहीं है कि क्लास को छोड़ के भाग जाएंगे. नहीं हो रहे तो क्या है, नया सीखोगे ना कुछ कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे स्टडी करनी है हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. वेरी गुड, हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ वीट. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर्लिटी मोज़ेक डिसीज इज कॉज्ड इन पिजन पी बाय स्टर्लिटी मोज़ेक वायरस एंड ट्रांसमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर. वेक्टर बताना है आपने, क्वेश्चन देख के नहीं डरना है, पूरा रीड करना है कि क्या है, किस डिसीज के बारे में है. ऐसे नहीं कि ऊपर वाले ही देख के बस आंसर लगा दिया. बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है. माइट, वेरी गुड, हमारा राइट आंसर क्या है, एरिफॉइड माइट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दे माइट बी अक्रिंग इन द लोकेलिटी एवरी ईयर बट एज्यूम स्वीयर फॉर्म ओनली ऑन ओकेजन्स ड्यू टू द फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस अक्रिंग इन सम ईयर्स. एंडेमिक बोलेंगे, एपिफाइटोटिक, स्पोरेडिक या फिर पेंडेमिक. स्पोरेडिक नो, स्पोरेडिक में क्या होता है, इरेगुलर इंटरवल पर. एंडेमिक का मतलब क्या होता है, कन्फाइंड टू किसी पर्टिकुलर एरिया में. और पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में था. और एपिफाइटोटिक को हम एपिडेमिक भी बोलते हैं. और क्वेश्चन में क्या लिखा है, एज्यूम दी स्वीयर फॉर्म ओनली ऑन ओकेजन ड्यू टू दी फेवरेबल एनवायरमेंटल. अगर उनको कंडीशंस मिल जाएं तो वो बहुत ही तेजी से फैलता है. ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, एपिफाइटोटिक, इसको हम एपिडेमिक भी बोलते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उफ्रा डिसीज इज अ डिसीज ऑफ डीप वाटर राइज कॉज्ड बाय फीडिंग डैमेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन. बैक्टीरिया की वजह से होता है, फंगस, निमेटोड या फिर बैक्टीरिया प्लस निमेटोड. बैक्टीरिया प्लस निमेटोड की वजह से एक डिसीज होता है. इसको हम टुंडू डिसीज भी बोलते हैं. माइट नो, हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, निमेटोड की वजह से. और अगर आपने कोई भी कोर्स परचेज करना हो कोई भी, तो आपने कूपन कोड यूज करना है AC861. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द डिसीज मैनेजमेंट इन्वॉल्व द टैक्टिक्स दैट प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट बिटवीन द होस्ट एंड द पैथोजन. अब चार प्रिंसिपल्स होते हैं, अवॉइडेंस, एक्सक्लूजन, इरेडिकेशन या फिर प्रोटेक्शन. तो आपने आंसर करना है इसमें क्या आएगा, एक्सक्लूजन आएगा, अवॉइडेंस आएगा या फिर इरेडिकेशन. जी, हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवॉइडेंस. अवॉइडेंस में क्या क्या होता है, जो हमारा जियोग्राफिकल एरिया उसके अकॉर्डिंग चूज करना,
या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन, जी सभी का आंसर राइट था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीफ होपर ट्रांसमिट्स विच काइंड ऑफ वायरल डिसीज, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। जी बच्चे जब हम एंटो स्टडी करेंगे तब बताऊंगी मैं, अब पैथो का चल रहा है ना तो पैथो के बारे में ही पूछो। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द मिनरल डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन। मैंने बोला था कि आपको एक टेबल बनाना है कि जिसकी वजह जो भी हमारी डेफिशिएंसी आती है न्यूट्रिएंट की वजह से कौन कौन से डिसीज आते हैं, तो आपने वही बताना है। हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑल ऑफ दीज, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, इंटरनल कॉर्क ऑफ एप्पल, हार्ट रॉट ऑफ शुगर बीट, ये सारे आएंगे ठीक है। और हमारा पी एस सेट का भी नया बैच शुरू हो रहा है 14 दिसंबर से, आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा परचेज करने के लिए। और अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अरोड़ा क्लासेज ऐप आपने डाउनलोड करनी है एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र के लिए, और जिनके पास आईफोन है वो डाउनलोड करेंगे माई इंस्टीट्यूट ऐप और उसमें ऑर्गेनाइजेशन कोड फिल करना है ARC। उसके बाद आपने अपना फेवरेट कोर्स है वो चूज़ करना है और कूपन कोड लगाना है AC861। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। कल 4 बजे इसी टाइम मिलेंगे हम नए क्वेश्चंस के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय।